हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लाया हूँ बादार DCP-L2520D। इस प्रिंटर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है रिप्लेस टोनर दिखाता है। तो इस प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन कैसे करें, आप वीडियो को फुल देखना दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा, आपका घर में ही प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, और मेरे चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों देख सकते हैं डिस्प्ले में टोनर रिप्लेस टोनर दिखा रहा है। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको फ़ोन कवर जो होता है प्रिंटर का वो आपको खोलना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो फ़ोन कवर को हम पहले खोलते हैं, उसके बाद एक क्लीन वाला बटन जो आप लोगों को दिख रहा है, देख सकते हैं दोस्तों क्लीन वाला बटन। हाँ, क्लीन वाला बटन जो दिख रहा है, इस बटन को 7 सेकंड तक दबाए रखना है, 7 सेकंड तक दबाए रखना है, ठीक है, 7 सेकंड तक दबाए रखना है। उसके बाद आप लोग देखना, 7 सेकंड का दबाने के बाद ओके वाला जो बटन दिख रहा है, ओके वाला, उसको 3 सेकंड तक दबाए रखना है। उसके बाद येस नो का ऑप्शन आएगा, अभी जो येस नो का ऑप्शन है, अभी स्टार्ट वाला बटन एक बार दबाना है, उसके बाद प्लस वाला दबाना है। तो डिस्प्ले में दिख रहा है 0 हो रहा है, उसको 0 करना है। तो 0 करने के बाद आप लोगों को ओके एक बार दबाना है, तब एक्सेप्ट लिखा दिखा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फ़ोन कवर जो है उसको लगा देना है। अभी हमारा प्रिंटर प्लीज वो दिखाएगा और प्रिंटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यही स्टेप दोस्तों आप लोग अगर घर पे करेंगे तो आपका बादार का जो प्रिंटर है एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और कहीं भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरी एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और आप लोगों का अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रिंटर का अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, हम उस प्रॉब्लम का सलूशन नया नया वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है, कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम नया वीडियो बना के देंगे आप लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रिंटर बिल्कुल प्रिंटर का प्रॉब्लम जो था रिप्लेस टोनर सॉल्व हो गया है। तो वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।